डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे और याद भी करेंगे। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज टू ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन अर्ली एज। तो ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक जीवन बदलने वाला जो अनुभव है बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, ये उसका उद्देश्य था। टू ऑफर, उसको ऑफर करना फ्यूचर जनरेशन, हमारी भावी पीढ़ी के पॉलिसी मेकर्स को। हाउ डिड अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन द शी फर्स्ट सॉ इट? द राइटर वॉज अमेज्ड टू सी द वास्टनेस एंड आइसोलेशन ऑफ द अंटार्कटिका। तो वो जो राइटर थी बहुत ही अमेज, आश्चर्यचकित थी इसकी वास्टनेस को देखकर और इसके आइसोलेशन को देखकर अंटार्कटिका के। और इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एकेडमिक सोलार स्कीम, वेयर वाज इट हेडिंग? तो द एकेडमिक सोलार स्कीम वाज रशियन रिसर्च वेसल, ये एक रशिया का रिसर्च वेसल जहाज था। इट वाज heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. तो ये संसार के सबसे ज्यादा ठंडे, सबसे ज्यादा सूखा, सबसे ज्यादा हवा तेज जहाँ चलती है, ऐसे महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था, उसका नाम था अंटार्कटिका। What happened to गोंडवाना? तो गोंडवाना को क्या हुआ 650 million ago? तो गोंडवाना was a southern super continent. तो ये क्या था, ये दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट था विच एग्जिस्टेड 650 million years ago, जो कि 650 million years ago इसका अस्तित्व था। बट अराउंड द टाइम, लेकिन समय के आगे बढ़ते ही, व्हेन डायनासोर्स वर डिस्ट्रॉयड, डायनासोर्स डिस्ट्रॉय हो गए, द एज ऑफ मैमल गॉट अंडरवे। तो जो मैमल्स की जो एज था, समय था, वो समाप्त होने लगा। और इसके उपरांत द लैंडनेस वॉज फोर्स टू सेपरेट, तो जो लैंड मैस था वो बाध्य हो गया अलग होने के लिए इंटू कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स में, शेपिंग द वर्ल्ड ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, जैसा कि आज हम जानते हैं। तो पहले ये माना जाता था कि ये पृथ्वी के, जो पृथ्वी में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब एक जगह स्थित थे, और बाद में ये कैसे धीरे धीरे अलग होते हैं। Why is Antarctica important? तो why is Antarctica important in the study of history of the earth? तो लिखेंगे, Antarctica is important in the study of the history of the earth because its vast white landscape, जो इसके बहुत ही विशाल landscape है, blue horizon, नीला क्षितिज, give scientists a perfect platform. तो ये वैज्ञानिकों को एक perfect पूर्ण जो प्लेटफॉर्म देता है टू अंडरस्टैंड, समझने को द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि पृथ्वी का क्या अतीत था, क्या वर्तमान है, क्या भविष्य होगा। हाउ डज अंटार्कटिका डिफर फ्रॉम द अर्थ? तो अंटार्कटिका डिफर्स फ्रॉम द अर्थ एज देयर हैज नेवर बीन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि वहां पर कभी भी मनुष्यों का अस्तित्व नहीं रहा, ट्रीज का नहीं रहा, बिल्डिंग्स का नहीं रहा, एटसेट्रा। ओनली वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ आइस कैन बी सीन ऑल अराउंड, केवल चारों तरफ वाइस जो है वही देखी जाती है। इसके उपरांत आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, व्हाई डज द ऑथर कॉल हर ट्रिप टू अंटार्कटिका अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा आंसर इंट्रोडक्शन में देखेंगे। द ऑथर तिशानी दोषी, तो इसकी पाठ की लेखिका है तिशानी दोषी, टॉक्स अबाउट, बात करती हैं हर जर्नी टू द कूलेस्ट, विंडिएस्ट, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, जो कि संसार में सबसे ज़्यादा सूखा, सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा जो हवा चलने जहाँ चलती हैं, ऐसे महाद्वीप की बात करती है जिसका नाम है अंटार्कटिका। शी थिंक्स, वो सोचते हैं दैट इट इज़ द प्लेस टू गो, कि ये एक ऐसा स्थान है जाने वाला, एंड अंडरस्टैंड, समझने का, द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इससे समझ में आता है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, एकेडमिक सोकोल्स्की, तो क्या है ये, क्या है, द ऑथर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च वेसल नेम द एकेडमिक सोकोल्स्की। तो ये ऑथर बढ़ती हैं
रशियन रिसर्च वेसल्स के माध्यम से शी वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द अंटार्कटिका, तो वो इससे अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रही थी। थर्ड हेडिंग आप देखेंगे स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो शी फाउंड द एक्सपीडिशन स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो उन्होंने ये जो उनकी यात्रा थी स्टूडेंट्स ऑन आइस जो रिसर्च करना था उनको, हाई स्कूल स्टूडेंट्स में थे टुक पार्ट इन दिस एक्सपीडिशन, तो इसमें केवल हाई स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इट वॉज एन एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, तो ये बहुत ही जो विशाल और लैंडस्केप था, समय का करेंगे शॉर्ट में इस आंसर को समझते हुए। द एक्सपीडिशन रीच 65.55 साउथ, ये उनकी जो पहुंच गई थी रिसर्च, इट वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिका सर्कल, तो ये बहुत ही शॉर्ट अंटार्कटिका सर्कल का बहुत ही शॉर्ट में था इसका। Therefore she calls her trip, इसीलिए जो लेखिका है ये कहती हैं कि उनकी ट्रिप टू अंटार्कटिका अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहाँ पे बहुत से कम ही लोग जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जीवन सही जगह सही स्थान पर नहीं है और बहुत ही लोग इन अनुभवों से बचकर निकलकर आ पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अपने सिलेबस के सभी पाठों को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें और लगातार पढ़ते रहें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।